मित्रों नमस्कार। आज के वीडियो में हम बड़ी ही सुंदर गुरु वंदना या भजन कह सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे कि उसको हारमोनियम पे कैसे गाया जाए और बजाया जाए। इसके शब्द भी बहुत सुंदर है, इसकी कंपोजिशन भी बहुत सुंदर है, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, मेरी फिंगरों को ध्यान से देखिएगा कि मैं कौन कौन से स्वर प्रयोग कर रहा हूँ। इसकी जो नोटेशन है वो आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगी, तो आप लोग वीडियो पॉज करके वहाँ से नोट कर सकते हैं और आप अभ्यास कर सकते हैं। शुरू करने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि इसमें स्वर कौन कौन से प्रयोग होंगे। तो इसमें जो स्वर प्रयोग होंगे वो सभी स्वर शुद्ध रहेंगे, केवल इसमें नी कोमल रहेगा, एक मंद्र सप्तक का नी और मध्य सप्तक का नी, दो नी इसमें प्रयोग होंगे। तो और जो ये हमारा भजन है, वंदना है, ये मंद्र सप्तक के नी तक ही जाएगी। एक कॉर्ड के रूप में अपन हम लोग लगा सकते हैं मंद्र सप्तक का पंचम, और तार सप्तक में ये ऋषभ तक जाएगी। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा। एक एक शब्द पर मैं एक एक स्वर थोड़ा बताना मुश्किल है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं बड़ा धीरे धीरे आपको बताऊँगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा और इसकी नोटेशन आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगी। स्वर आपको पता ही है कि शुद्ध स्वर कहाँ पर है, कोमल स्वर कहाँ पर स्थित है हारमोनियम में। अगर आपको नहीं मालूम है, आपको नई जानकारी है, तो आप इससे पहले के वीडियो मेरे देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत ही स्पष्ट और सरल शब्दों में बताया है कि कोमल स्वर किसे कहते हैं, तीव्र किसे कहते हैं, शुद्ध किसे कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करने से पहले थोड़ा सा उसका आलाप वगैरह या स्वर वगैरह हम लोग आलाप के रूप में ले सकते हैं, जैसे मैं भी जो स्वर प्रयोग कर रहा हूँ काली दो है, काली दो को काली एक पे मैंने सेट किया हुआ है, तो बजा मैं काली एक से ही रहा हूँ, लेकिन स्वर जो गाने में प्रयोग कर रहा हूँ वो काली दो है, डी शार्प है, तो आप कंफ्यूज ना हो। सरे मा पानी पनी साने पमारे मारे रे सने पनी सा। तो ये छोटा सा आलाप है, आप लोग ले सकते हैं। स्वर ऑलरेडी स्क्रीन पर आ रहे हैं, तो आप लोग अभ्यास कर सकते हैं इस तरीके से। तो आइए शुरू करते हैं। इसको मैं एक अंतरा में आपको बड़ा ही धीरे और बिना ताल के आपको गा के बताऊंगा, इसके बाद जो बाकी के अंतरे हैं मैं ताल पे आपको गा के बताऊंगा, तो आप चिंता ना करें। दोनों तरीके से आपको, और इसमें जो ताल प्रयोग होगी वो दीपचंदी ताल होगी, तो उसके साथ कैसे गाना है ये भी आपको वीडियो के मध्य में आपको बताया जाएगा। आइए शुरू करते हैं। शुरू ये होगा तार सप्तक से। मैं भटकता हूँ राहा, मैं भटकता हूँ राहा। कितने स्वर प्रयोग हो रहे हैं? पा धा नी सा रे, ठीक है, पांच स्वर इसमें प्रयोग हो रहे हैं, लेकिन तरीका मैं भटकता हूँ राहा, दिखाना मुझे राह, दिखाना मुझे। आइए फिर से देखते हैं। मैं भटकता हूँ राह, दिखाना मुझे राह, दिखाना मुझे। इसकी कंपोजिशन को आपको समझना है, और जो हरकत में ले रहा हूँ शब्दों में, तो वो आपको ध्यान से वैसे ही कॉपी करना है आपको, और अपना खुद का भी थोड़ा सा क्रिएशन करना है। मैं भटकता हूँ राह, दिखाना मुझे। उसमें दर्द आना चाहिए, भाव आना चाहिए, श्रद्धा आनी चाहिए, प्रेम आना चाहिए। राह दिखाना मुझे, राह दिखाना
चरणों में दे दे ठिकाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दे ठिकाना मुझे। मैं भटकता राह दिखाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दे ठिकाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दे ठिकाना मुझे। मैं बड़ा ही स्लो बजा रहा हूँ, स्लो ही गा रहा हूँ ताकि आप लोग एक एक हरकत और एक एक स्वर को आप लोग नोटिस कर सकें। तो ये इसका स्थाई था, मुखड़ा था, आइए इसके अंतर को देखते हैं। अंतर इसका गा से शुरू होगा, तो कॉर्ड भी आप लोग लगा सकते हैं, सभी स्वरों के अलग अलग कॉर्ड है। जैसे मैं सा पे ठहरा हूँ तो सागा पा इसका कॉर्ड है, अभी गा पे मैं शुरू करूँगा तो सागा पा ही लगा रहा हूँ, पा से शुरू करूँगा तब भी मैं सागा पा ही लगाऊंगा। तो इस तरीके से आप कॉर्डों को भी समझिए कि कॉर्ड कैसे प्रयोग करना है, और इस पे मैं अलग से वीडियो बना लूंगा तो आप लोग सभी स्वरों के कोट देख सकते हैं। तन कहीं और है, मन कहीं और है, फिर से देखते हैं। तन कहीं और है, मन कहीं और है, सुख की चाहत की भारी यहाँ दौड़ है, सुख की चाहत की भारी यहाँ दौड़ है। आइए फिर से थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं। तन कहीं और है, मन कहीं और है, सुख की चाहत की भारी यहाँ कितना भर माया, इसकी जो नोटेशन सेम नोटेशन है जहां से हमने शुरू किया था, मैं भटकता हूँ राह दिखाना मुझे, उसी की नोटेशन यहाँ पर प्रयोग होगी। तो फिर से देखते हैं। कितना भर माया है ये जमाना मुझे, ये जमाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दे ठिकाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दे ठिकाना मुझे। तो ये बिना ताल के था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आपने एक एक जो शब्द है स्वर है उसको नोटिस किया। आइए इसको ताल के साथ हम लोग गाते हैं। ताल इसमें दीपचंदी प्रयोग होगी जो 14 मात्रा की ताल है। आइए देखते हैं, दीपचंदी ताल यहाँ पर प्ले हो रही है, आइए हम लोग शुरू करते हैं। Thank you.
में तो पूजा से जप तप से अनजान हूँ, मैं तो पूजा से भी आपको नॉलेज हो समझ हो। इसके पहले मैंने बिना ताल में जो बताया बहुत ही धीरे बहुत ही ठहराव के साथ मैंने बताया है, तो आप लोग ध्यान से देख करके और आप लोग अभ्यास करिए। अगले वीडियो में नया कोई भजन नया कोई गीत लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।